कमलनाथ सरकार के खिलाफ भाजपा एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। कर्ज माफी और फसल मुआवजे सहित अन्य मुद्दों को लेकर इंदौर राव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। देखिए इस रिपोर्ट में। अतिवर्षा ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, अब तक मुआवजे को लेकर कोई हलचल नहीं है। इस मुद्दे पर भाजपा ने मैदान पकड़ लिया है। किसानों की समस्याओं को लेकर महा आंदोलन की शुरुआत की गई। राव विधानसभा के भाजपा किसान मोर्चा ने दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। सभी के हाथों में बीजेपी के झंडे और खराब फसल थी। पुलिस से कार्यकर्ताओं की हुज्जत भी हुई। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का धरने प्रदर्शन का आयोजन कर रही है। इसके मूल में सोयाबीन की जो फसल खेतों में खड़ी थी अतिवर्षा के कारण खराब हो गई और सरकार का कोई नुमाइंदा आज तक किसान के खेतों पर नहीं पहुंचा है। छोटी सी बात है, जो पटवारी, गिरधावर, ग्राम सेवक यही अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो कैबिनेट मंत्री तो समझ लो कि आप पहुँचेंगे कब, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कब पहुँचेंगे। लेकिन जो किसानों की दुर्दशा हो रही है उसको देखने के लिए कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है और उसी का आक्रोश है कि किसान यहाँ पर सड़कों पर आया है। और आज हम कलेक्टर साहब को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो किसान फिर सड़कों पर उतरेगा। किसान जो हमारी फसल है नुकसान हो रहा है, काफ़ी हमारी जो फसल की, जो हमारी सोयाबीन की फसल थी पूरा 1 महीने से इतनी तरीके से खराब हो चुकी है। किसान मरने को तैयार है, उसकी हालत खराब है। 0% का ब्याज हमको आज ब्याज से भरना पड़ रहा है। हम पे प्रेशर बन रहा है, इतना प्रेशर बना रही है हमको, हम जो सोसाइटियाँ, कि हम उस चीज़ को करें क्या। जो 0% में हमारा ब्याज था, जो फ्री में हमको शिवराज जी ने पैसा दिया था, आज वो पैसा हमको ब्याज से ही भरना पड़ रहा है। तो किसानों की हालत क्या होगी। जो इन्होंने 2 लाख का हमको लालच दे के, सरकार ने, जो कमलनाथ सरकार ने लालच दिया था, आज 2 लाख के तो पते नहीं है, लेकिन उल्टे हमारे जो 0% के ब्याज का पैसे थे आज हमको जेब से भरना पड़ रहा है और उसका बहुत प्रेशर बन रहा है। इसलिए हम किसान भाई आज सब यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस पर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को विफल बताते हुए भाजपा ने आंदोलन छेड़ा है। प्रदेश संगठन के निर्देश पर राव विधानसभा का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर हुआ। माणिकबाग रोड स्थित गुरु नानक धर्मशाला से रैली बनाकर कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी और पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा, नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा खराब फसलों को हाथों में लेकर पहुंचे और कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। खास बात ये रही कि इस प्रदर्शन के दौरान स्थानीय विधायक और मंत्री जीतू पटवारी की साइकिल यात्रा को नौटंकी बताते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर पोस्टर चिपका रखे थे। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर पानी का स्वरूप विकराल रूप देखा अपन ने, और पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 40 जिले तो ऐसे हैं वहाँ पूरी फसल नष्ट हो गई, पूरी कुछ जगह पे बची है तो 50% बची है। राव विधानसभा के अंदर आप देखें कि मतलब पूरी फसल चौपट हो गई है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आज तक माननीय कमलनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कभी वहाँ पर अपने मंत्रियों को भी नहीं भेजा है, ना विधायक को भेजा है कि वहाँ पर जाके उस सर्वे करें। आज किसान बहुत दुखी है, परेशान है। हम राव विधानसभा के माध्यम से, आज कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन देना आए हैं कि हमारे ज्ञापन को ले और ज्ञापन के तुरंत बाद सर्वे का काम शुरू करें कि आने वाले समय में किसानों को जो है सोयाबीन, मक्का या अन्य फसल के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले। और भी ऐसी अन्य जो हमारी ज्ञापन के अंदर मांग है
कि पिछली बार जो कमलनाथ जी ने सरकार आने के पहले बहुत सारी घोषणा करी थी, 2 लाख का हम ऋण माफ़ कर देंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 4,000 माफ़ कर देंगे, मुख्यमंत्री कन्यादान की जो शादी होती थी उस पर माननीय हमारे शिवराज सिंह जी 25,000 देते थे, इन्होंने घोषणा कर दी कि हम जो है 51,000 करेंगे। ऐसी बहुत सारी घोषणा, संबल योजना के माध्यम से हम लोगों ने बिजली जो है 200 रुपये का बिल हमने करा था, आज हज़ारों के बिल आ रहे हैं, वहाँ सब गरीब लोग परेशान हैं। तो आज हमारे मतलब पहली मांग हमारी ये है कि सोयाबीन का तुरंत किसानों का सर्वे करा करके और उसका मुआवजा दें, और साथ ही हमारे ज्ञापन के अंदर ये भी मांग है कि आने वाले समय के अंदर हम इस अगर इन्होंने ये नहीं करी मांगे पूरी हमारे इस पर सुनवाई नहीं करी या सर्वे नहीं कराया तो आने वाले समय में लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। आज किसानों की मांग, हमारे जो अन्नदाता है उनकी मांग को लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सभी किसान साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं। पिछले दिनों जो अतिवर्षा हुई थी, उस अतिवर्षा के कारण जिस प्रकार से पूरी फसलें चौपट हो गई है, और चौपट होने के बाद जब हमने उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा था कि किसानों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, तो उन्होंने ये बात कही थी हम शीघ्र ही मुआवजा सर्वे करा के मुआवजा देंगे। आज कई दिन होने के बाद भी न मुआवजा मिला, न सर्वे हुआ, न बिजली का बिल माफ़ हुआ, न उनका लोन माफ़ हुआ। तो इन सब बातों को लेकर आज ये राव विधानसभा क्षेत्र के माननीय मधु वर्मा जी, रवि रावलिया जी, हमारे सभी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन हुआ है, और हम आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर प्रदेश की सरकार ने किसानों को अन्नदाताओं को शीघ्र मुआवजा नहीं दिया तो हम सड़क पे उनके लिए लड़ेंगे, उसका आज जताने आए चेताने आए। देखिए पहले राज्य सरकार का दल अध्ययन करता है, वो अपनी रिपोर्ट देता है, अब यहाँ तो ये हाल हुआ, हमने राज्य सरकार को बोलने के बाद भी न उन्होंने दल भेजा, न उनके अधिकारी फील्ड में गए, न उनका पटवारी गया, न कोई लोग गए। तो हमारा कहना है कि पहले किसानों की बात करें, केंद्र सरकार से हमारी बात हुई, पूरा वो जो भी मुआवजा होगा उसमें पूरी मदद करेंगे, लेकिन राज्य सरकार रिपोर्ट तो दे, राज्य सरकार का भी सर्वे ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहाँ से देंगे। हमने केंद्र से भी बात की है कि वो शीघ्र दल भेजे ताकि किसानों को उचित मदद मिल सके। कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार बने 9 माह से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी किसानों की कर्ज माफी नहीं होने सहित अन्य मुद्दों पर भाजपा ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मैदान पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।